Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. But friends, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 के 23वें दिन के. Yes friends, 23वां दिन यानी कि डे 23 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन एंड ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया. सुपर 30 ने आज लगभग डबल छलांग मारी है. यस फ्रेंड्स, डबल छलांग बाय सुपर 30. यूजुअली जो फ्राइडे का कलेक्शन रहता है उसमें 20-30% की छलांग रहती है, लेकिन यहां पर फिल्म ने अच्छी खासी, लिटरली स्पीकिंग, 80-90% की छलांग मारी है. अब वो क्या वाकई में इतनी है या फिर इससे ज्यादा इसका परसेंटेज अमाउंट है, वो कल जब ऑफिशियल फिगर आएगा तब पता चलेगा. लेकिन गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सुपर 30 रनिंग सुपर स्ट्रॉन्ग ऑन 980 प्लस स्क्रीन्स इन द कंट्री ऑफ इंडिया इन इट्स फोर्थ वीक. बात करें सुबह की ऑक्यूपेंसी की, तो गाइस सुबह की ऑक्यूपेंसी बहुत ही बेहतरीन थी. सैटरडे का वो दिन रहता है जैसे छप्पर तोड़ कमाई शुरू हो जाती है फिल्मों की. सुबह की ऑक्यूपेंसी 15% की थी. आफ्टरनून इट इंक्रीज लीप्स एंड बाउंड्स एंड बिकेम 30-35%. इवनिंग वॉज 50-55% एंड रात के शोज इसके 60% की ऑक्यूपेंसी लेके चल रहे थे. बात करें मुंबई की, तो मुंबई की ऑक्यूपेंसी वॉज 35%, पुणे वॉज 53%, बेंगलुरु 75%, हैदराबाद वॉज 100% ऑक्यूपेंसी. यानी कि जितने भी शोज है, 19 शोज है आज के लिए, ओके 19 शोज हाउसफुल ऑक्यूपेंसी लेके चल रहे हैं. कोलकाता 27, अहमदाबाद 28 एंड चेन्नई इज अ वॉपिंग 95%. चेन्नई में फिलहाल 13 शोज चल रहे हैं. दिल्ली एनसीआर सुपर स्ट्रॉन्ग इज 48 और इसी का कारण है कल जो कलेक्शन आया था इसका 96 लाख रुपीज का, उससे दुगना कलेक्शन आएगा. इसलिए माई प्रेडिक्शन फॉर सुपर 30 ऑन इट्स डे नंबर 23 विल बी 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 10 लाख रुपए. यस फ्रेंड्स, 2 करोड़ से 2.10 करोड़ इज माई प्रेडिक्शन फॉर डे 23. ओके, लेट्स सी कल फिल्म कितना कमाती है. और फ्रेंड्स, एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आज के दिन बहुत सारे एपिसोड्स आए जो आई थिंक नोटिफिकेशन नहीं आने के कारणवश आपने मिस कर दिए. डियर कॉमरेड विजय देवराकोंडा की फिल्म का रिव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो यहां देख सकते हो. सलमान भाई के जो दबंग थी की शूट है फिलहाल मुंबई में चल रही है, उसके ऑनसेट एपिसोड यहां देख सकते हो. खानदानी शफा खाना का रिव्यू किया जो काफी हिलेरियस है, वो यहां देख सकते हो. एंड हॉब्स एंड शॉ के कलेक्शन एपिसोड को आप यहां देख सकते हो. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.